तो हम लोग बात किए थे आपको पार्चुरेशन पे, ठीक है। तो पार्चुरेशन पे जब पढ़ा रहे थे ना हम, ठीक है, तो बता दिए थे तुमको कि जब पार्चुरेशन होता है ना जी, ठीक है, तो बॉडी का सारा सामान बाहर आ जाता है ना। आवाज जा रहा ना। तो पार्चुरेशन के दौरान जब बच्चा जो देखते हैं ना जी, ठीक है, वो प्लासेंटा है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये सब जो देखते हैं, कॉरियन, ये सब को क्या करता है, बॉडी से बाहर कर देता है, ठीक है। जब डिलीवरी का वक्त होता है ना, चाहे नॉर्मल हो डिलीवरी, है ना, तो उसमें प्लासेंटा भी खींचा जाता है जी, ठीक है। ये आ गया, ये है ब्लड कैपिलरी माँ के साइड का, और ये है प्लासेंटा। अब प्लासेंटा के साथ साथ अम्बिलिकल कॉर्ड है जो लगभग लगभग 15 सेंटीमीटर का होता है जी, ठीक है। जब बच्चे का जन्म होता है तो आपको प्लासेंटा भी आपको बाहर आता है, और साथ साथ ये ऐसे कुछ होता नजारा जी, ठीक है। जब इस नजारे को देखते हैं सर, तो इसके बाद क्या देखा जाएगा, जब बच्चे का जो यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड है उससे डॉक्टर क्या करेगा, इसको चापेगा जी, है ना, चिमटा से, है ना, दोनों तरफ से क्या करेगा, क्लिप लगा देगा जी, ठीक है। और क्लिप लगाने के बाद इधर से कैंची से काट देगा जी, ठीक है। और कैंची से काटने के बाद इस इलाका को खाली कर देता है। इमेजिन करो सब आदमी, ठीक है, कि जब बच्चे को हम लोग देखते हैं, है ना, और है ना, बच्चे को जब हम देखते हैं तो उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड का कुछ हिस्सा जुड़ा रह जाता है, जन्म लेने के कुछ समय तक जुड़ा रहता है, अपने आप ये ड्राई होकर के ना हट जाता है जी, ठीक है, फॉल ऑफ कर जाता है ना, ड्राई हुआ और फॉल ऑफ कर गया जी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और डॉक्टर क्या करता है, कुछ प्लासेंटा का हिस्सा जो था ना जी, माँ के गर्भ में ही छोड़ देता है, मतलब कुछ हिस्सा काट के हटा देता है और कुछ हिस्सा माँ के गर्भ में छूट जाता है, ठीक है। मतलब डिलीवरी के बाद हल्का फल्का जो प्लासेंटा होता है अंश तौर पे, है ना, अंदर रह जाता है जी, एक घाव के जैसा रहेगा। धीरे धीरे डॉक्टर जो दवा देता है ना उससे ठीक हो जाता है, या माँ कुछ जो है ना डाइट लेती है आफ्टर डिलीवरी, तो उससे ये ठीक हो जाता है जी। प्लासेंटा का कुछ अंश छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो सारा हिस्सा, प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, एमनियन, कोरियन, सब आ जाता है बाहर जी, ठीक है। इस तरह चिपक जाता है, इसके अंदर का पानी निकल जाने के बाद ये दोनों हिस्सा क्या होता है, बच्चे से चिपक जाता है। इसको गर्म तेल से या गर्म सॉरी तौलिए से इसको धीरे धीरे करके पोछ पोछ करके हटा दिया जाता है। डॉक्टर हटाए या नर्स हटाए या कोई एक्सपर्ट हटावे जी, ठीक है। तो गर्म पानी और हल्का गर्म नहीं तो नम गर्म से इसको हटा दिया जाता है जी, ठीक है। ये सब बात हम आपको आज बता रहे थे, ठीक है। तो पार्चुरेशन से रिलेटेड कुछ और भी सवाल जवाब है ना तुम कर सकती हो, ठीक है, अगर कोई हम छूट गया हमसे। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को है ना काटा जाता है, चाप करके काटा जाता है। मेडिकल में ये पूछा जा सकता है, हालांकि ये एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं किया है, फिर भी तुमसे पूछ सकता है कि क्यों चापा जाता है, ताकि ब्लड सप्लाई है ना रोका जा सके, माँ और बच्चे के बीच का जो ब्लड सप्लाई है ना उसको रोकने के लिए ऐसा करता है। कभी कभी डॉक्टर यहाँ आपको चिमटा लगाएगा, इस जगह पे चिमटा लगाएगा, बीच से ऐसे काटेगा, तो थोड़ा बहुत खून का एक्सचेंज हो जाता है जी, हल्का फल्का माँ का खून बच्चे में, बच्चे का खून हल्का सा माँ में चला जाता है, ठीक है। अगर ज्यादा जाएगा तो बच्चा को जॉन्डिस हो जाता है। कभी कभी देखिए कोई बच्चा डिलीवरी लेता है और उसको सीवर जॉन्डिस हो जाता है। सीवर जॉन्डिस बहुत कारण बस होता है जी, ठीक है। उसमें एक कारण ये भी है ना सीवर जॉन्डिस होने का, कि सर हो सकता है कि माँ का ज्यादा डब्ल्यूबीसी बच्चे में आ जाएगा। अब माँ का जब डब्ल्यूबीसी बच्चे में ज्यादा आएगा तो उसका आरबीसी को मार मार के खाने लगता है जी, ठीक है। इसलिए बच्चे को खून की कमी होना शुरू हो जाता है ना। जा रहा है कुछ बात, हम क्या सब बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने तरफ से एक्स्ट्रा लेवल को भी लेते हुए अब पार्चुरेशन को हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। देखिए पार्चुरेशन पढ़ा रहे जी हम, है ना, तो हम तुमको एनसीईआरटी का लाइन से पढ़ाई दिए कि एनसीईआरटी में पार्चुरेशन कौन स्टार्ट करवाता है और एंड कौन करता है जी, ठीक है, ये सब तुम जान रही हो। लेकिन हम आपको अब ये बताना चाह रहे हैं, दो तरह का पार्चुरेशन होता है। एक होता है नॉर्मल, है ना, जिसको नॉर्मल डिलीवरी सब कहते हैं हम लोग, ठीक है, नॉर्मल। एक होगा सर आपको सीएस, है ना, सीएस का मतलब सिजेरियन, जिसमें कैंची लगता है जी, ठीक है। तो मेरा कहना क्या है कि जब नॉर्मल डिलीवरी का बात आता है, ठीक है, इसमें क्या देखते हैं कि सर आपको सारा का सारा काम हार्मोन बेस्ड होता है, हार्मोन, हार्मोन के जरिए होता है, हार्मोन है ना आपको यूज होता है जी, ठीक है। इसमें बहुत सारा गैजेट लगता है ना, गैजेट सब आएगा, और साथ साथ आपको देखिएगा इसके अंदर में क्या होता है सर, ऑपरेशन जिसको आप कहते हैं, मतलब इसमें सीएस में कट सेक्शन लगता है, कट सेक्शन, है ना, इन आपको लोअर भेजाइना, भेजाइना के पास डॉक्टर चीरा लगाता है जी, ठीक है, और बाद में इसको सील भी देता है। इसी रास्ते से डॉक्टर हाथ दे करके बच्चे को बाहर खींच लेता है जी, ठीक है। यूटेरस इसमें भी सर क्या होता है, खराब हो जाता है, ठीक है। यूटेरस जो देखते हैं वो आपको क्या होता है, वॉल डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा है ना 2 बार या 3 बार माँ बन सकती है, ठीक है। सेकेंड प्रेगनेंसी होगा, है ना, क्वाइट नॉर्मल, है ना, ये सब क्या होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन अगर थर्ड प्रेगनेंसी जब जाएगा तो वो डेंजरस हो सकता है, ठीक है। थर्ड प्रेगनेंसी आते आते डॉक्टर मना कर देता है, कहता है कि इसको अबॉर्शन करा लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि यूटरस यूटरस स्टेबल है ही नहीं, और
है ना, यूटेरस स्टेबल ना होने के कारण क्या होता है सर ये, है ना, डॉक्टर इसको है ना कहता है कि आप एबॉर्शन करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 बचाओ। अब कोई केस तुम सुनाओगे कि सर, तो वो हम तुमको बोलेंगे ये सब वही डॉक्टर सब की वजह से होता है। मतलब कोई कोई लड़की कहती है, कोई स्टूडेंट को कह रहा था कि फर्स्ट डिलीवरी है सर आपको सिजेरियन से हुआ, सेकंड डिलीवरी नॉर्मल हुआ, तो हम बोले ही थे तुम लोग को ये डॉक्टर है पैसा बनाने के लिए दवा ऐसा ही कुछ दे देता है कि बच्चा उल्टा हो जाए, ठीक है, या माँ को इतना गाइड करता ही नहीं है ताकि वो नॉर्मल डिलीवरी की ओर आगे बढ़े, ठीक है। इसलिए ज्यादातर हॉस्पिटल में 80 से 90% केस क्या देखोगी, है ना, ये 80 से 90% केस जो होता है ना वो आपको सीजेरियन से ही होता है, ये बस पैसा बनाने का एक तरीका है कि बाकी है ना नॉर्मल डिलीवरी होने का चांसेस हाई रहता है, डॉक्टर कुछ ऐसा मेडिसिन देने लगता है कि लास्ट में हार्मोने बनना रुक जाता है, ठीक है। इसलिए चाह करके भी वो माँ नॉर्मल डिलीवरी नहीं दे पाती है, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी देने का हम बता ही देते हैं, हल्का हल्का झटका देगा, हल्का हल्का झटका माँ को भी महसूस होगा, और धीरे धीरे ये झटका क्या होगा तेज होने लगेगा, और ये एक बच्चे को बाहर कर देता है, नेचर में तो ऐसा ही होता है, ठीक है। और हम लोगों में क्या होता है पैसा बनाने के लिए डॉक्टर सिजेरियन का ऑप्शन लेता है, ठीक है। खैर इस सब बात में बात कर सकते हैं हम लोग, या है ना आप लोग का कोई डाउट होगा तो आपका डाउट क्लियर कर देंगे इस पे, है ना। अब एक बात आता है क्या कि नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो सर, ऑल एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन आर एक्सपेल, है ना, एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन क्या क्या था याद आ रहा ना, कोरियोन था, एमनियोन था, है ना, सबको क्या करता है सर ये एक्सपेल कर देता है, बाहर कर देता है, ठीक है। और तुमसे अभी जब एनसीईआरटी देखोगी, एनसीईआरटी में ये भी दिखा हुआ है कि है ना प्लासेंटा बाहर जाता है या नहीं जाता, तो हाँ बिल्कुल प्लासेंटा भी क्या होता है सर आउट हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है, लेकिन डॉक्टर सम प्लासेंटा लेफ्ट इनसाइड द यूटेरस, सम पार्ट ऑफ प्लासेंटा, पूरा प्लासेंटा बाहर नहीं निकालता है, कुछ पार्ट्स है ना जी आपको ऑफ प्लासेंटा का माँ के गर्भ में रख देता है सर। रख दिया तो क्या हो गया, नहीं रखता तो क्या होगा, इसका डिस्कशन आप थर्ड में हम करेंगे जी, ठीक है। कुछ हिस्सा प्लासेंटा का छोड़ देता है डॉक्टर यूटेरस में, वो अपने आप खत्म हो जाएगा, है ना, तो इस पर भी चर्चा करेंगे, है ना। तो इतना बात सब था आपको किसमें लेकर के, पार्चुरेशन में लेकर के, आप कुछ पढ़ देते हैं जी, ठीक है, उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा तो हम और डिस्कस कर देंगे जी, ठीक है। तो किताब निकालिए, है ना, टॉपिक है आपको पार्चुरेशन, लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी बुक का, इसको आज खत्म करके ही आपको छोड़ेंगे, है ना। तो ये पॉइंट जब हम लोग देख रहे थे, है ना, हाँ यही पेज है ना, दिख रहा सबको, तो प्लासेंटा जब पढ़ा रहे थे, है ना, तो उसमें हम आपको पार्चुरेशन बता रहे थे जी, ठीक है। और पार्चुरेशन जब बता रहे थे ना, तो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, है ना, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी, दिख रहा सबको एवरेज ड्यूरेशन, है ना, एवरेज, है ना, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन, है ना, यहाँ से बोलते हैं एवरेज ड्यूरेशन, है ना, एक मिनट, हाँ, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ होता है, विच इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। और जेस्टेशन पीरियड जब खत्म होता है सर, ये हाईलाइट किए हुए पहले से भी, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटेरस के वाल में इंड ऑफ प्रेगनेंसी, और वो डिलीवरी ऑफ फीटस कर देता है, फीटस माने बच्चा होता है जी, दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म, ये हम बोल ही दिए थे, ये ब्रेन के द्वारा कंट्रोल तो होता है सर, लेकिन इंडोक्राइन मैकेनिज्म, इंडोक्राइन का मतलब क्या है, हार्मोन के जरिए कंट्रोल होता है। सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट बाय, पहला पॉइंट यही है जी, ये ओरिजिनेट किसके द्वारा होता है, फुल्ली डेवलप, है ना जी, फुल्ली डेवलप प्लस फीटस, है ना, बच्चा एंड प्लासेंटा दोनों दोनों मिलकर के हल्का सा माइल्ड माने हल्का झटका देता है सर, इस घटना को क्या कहते हैं फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। इसके जस्ट बाद ट्रिगर निकलता है सर, एकदम तेज धारा निकलता है किसका, ऑक्सीटोसिन का, यही मेडिकल का लाइन है कि कौन निकालता है ऑक्सीटोसिन, फीटस निकालता है या माँ निकालती है, तो माँ का पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूटेरस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट करते जाता है, जिस वजह से और ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलता है, और दिस रिफ्लेक्स कॉजिंग द यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन एंड साइमल्टेनियसली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते जाता है। हमने बोले थे तुम चोरे को दे दोगे, मतलब कि वो भेज दोगे तो और ज्यादा आपको हल्का मचाएगा ना, एक बार नहीं कहानी सुनाए थे, गार्ड था, गार्ड को पुलिस स्थान में फोन किया था, वो होना चाहिए था पुलिस को भेजना चाहिए था, भेज दिया वो, है ना, आपको चोर को ही, तो और ज्यादा नुकसान होगा ना, तो और से ज्यादा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का यही काम होता है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, चापना, जहां जहां स्मूथ मसल्स होता है हम लोग का, स्मूथ मसल समझते हो, इंटेस्टाइन हुआ, ये सब स्मूथ मसल्स में आता है, किडनी, है ना, यूटेरस, ये सब स्मूथ मसल्स में, ऐसा मांस जो हड्डी से नहीं जुड़ा हो, ऐसे मांस को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्मूथ मसल्स के नाम से बुलाते हैं। सबको सर क्या करता है, चांपता है जी, ठीक है, और डिलीवरी में भी मदद करता है जी। अब बच्चा बॉडी से बाहर निकलता है बाय द बर्थ केनाल के रास्ते से बाहर निकलता है, इस घटना को क्या नाम देते हैं, पार्चुरेशन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। पार्चुरेशन के बाद प्लासेंटा भी क्या होता है, एक्सपेल्ड आउट, देखो यही लाइन था हम जो अभी तुमको सुनाए थे, प्लासेंटा को भी क्या करता है, बॉडी से बाहर कर देता है, ठीक है, थोड़ा बहुत प्लासेंटा का अंश डॉक्टर अंदर छोड़ देता है, बाकी सबको निकाल के हटा देता है, ठीक है। और ये भी बात हम तुमको ओरली समझाए थे कि अम्बिलिकल कॉर्ड को चाप करके तब काटा जाएगा, बांध करके, देखो कि गांव देहात में है ना कहीं चिमटा नहीं मिलता, कभी 3 डेट फिल्म देखोगे ना तो सबसे लास्ट में दिखाता है 3 डेट में,
एक चिमटा लगाता है, और चिमटा लगाने के बाद तब उसको अम्बिलिकल कॉर्ड को काटता है। काहे सर? ताकि ब्लड का फ्लो रोका जा सके, नहीं तो खून मिल जाएगा, माँ का खून बच्चे में चला जाएगा, बच्चे का खून माँ में चला जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत पतला पतला पाइप होता है वहां पे, कैसे प्लासेंटा कट गया ये सब वहां पे तुमको पढ़ाया जाएगा एमबीबीएस में, ठीक है। लेकिन चाप करके काटा जाए, दरभंगा में जैसे देखोगे तो बहुत सारा डॉक्टर क्या होता है, रस्सी से मतलब धागा से सर्जिकल थ्रेड से पहले बांध देगा और तब काटेगा, ये भी सही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। आप उसके बाद पूछ रहा है एक क्वेश्चन कि क्या होगा जब, है ना, डॉक्टर इंजेक्ट करेगा इंड्यूस डिलीवरी, मतलब कोई माँ चाह रही कि हम 7वें महीने बच्चे को डिलीवरी करा ले, या कोई माँ चाह रही कि 9 महीना हो गया लेकिन बच्चा डिलीवर नहीं हो रहा, तो क्या करेगा डॉक्टर, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जिस डेट में माँ चाहेगी उसी डेट में बच्चा जन्म ले, तो उसके लिए क्या करना होगा जी? तुम लोग सब समझ रही होगी ऑक्सीटोसिन हार्मोन और, है ना, कौन सा हार्मोन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिंग हार्मोन का सुई दे देगा डॉक्टर, है ना। ये सुई मात्र 2 रुपया में मिलता है, लेकिन उस टाइम में ऑपरेशन के टाइम में या डिलीवरी के टाइम में डॉक्टर 4-4 हज़ार रुपया ले लेता है जी, ठीक है, 2 रुपए का ये सुई है। तो ऑक्सीटोसिन, गांव में जो लड़का सब होगा उसको पता होगा ऑक्सीटोसिन उसके गाँव में नाहते मिलता होगा, वो सब गाय भैंस से बॉडी से दूध निकालने के लिए, है ना, इसका इस्तेमाल होता है जी, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है समझा दे, इस क्वेश्चन का क्या जवाब दोगी, है ना, इंजेक्टिंग इंजेक्टिंग का इंजेक्टिंग इंजेक्टिंग, है ना, ऑक्सीटोसिन पहला जवाब, और दूसरा जवाब क्या होगा, बाय सर्जरी, दो तरीका हो सकता है ना जी, या तो सर्जरी से या नहीं तो ऑक्सीटोसिन के सुई देने से जी, इस तरीके से बच्चे को डिलीवरी करवाया जा सकता है जी। हो गया बात समझ में आया, है ना, पार्चुरेशन टॉपिक खत्म हो गया जी, ठीक है, पार्चुरेशन से इतना ही बात सब था, पार्चुरेशन के लेकर के हम बहुत कुछ बोले भी है एक्स्ट्रा लेवल पे, है ना, इस सबको भी तुम लोग देखो, है ना। अब बात क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, कि, है ना, जब हम लोग माँ के घर में रहते हैं ना जी, ठीक है, माँ के घर में रहते हैं, इनसाइड फीटस, है ना, इन फीटस, है ना, फीटस, ठीक है, नो यूज ऑफ, है ना, ये बात ध्यान रखना होगा तुम लोग को, नो यूज ऑफ लंग्स, है ना, फीटस के अंदर रहते हैं तो कौन सा ऑर्गन कोई काम का नहीं है सर, लंग्स कोई काम का नहीं है। हम लोग जब माँ के घर में रहते हैं, जैसे ये फोटोग्राफ देखोगी, है ना, ये बात ध्यान रख पाओगी, ठीक है, देखना, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये देखिए, ये बच्चा है, ये बच्चा माँ के गर्भ से जुड़ा हुआ है, प्लासेंटा यो है जो गेंद बना रहा है, ये है प्लासेंटा, है ना, और ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसमें खून का पाइप होता है खाली सर, है ना, और इसके ऊपर में ब्रीदिंग ऑर्गन होता है जिसका नाम एलन ट्वाइस रखे थे, खैर छोड़ो ये सब ध्यान मत दो, अभी याद करो सब, निमी एक था अब से सबसे बाहर का लेयर जिसका नाम क्या रखे थे हम लोग, कोरियोन, है ना, और इसके जस्ट बाद एक दूसरा लेयर था जिसका नाम क्या रखे थे हम लोग, एमनियोन, है ना, इसका नाम क्या था आपको, एमनियोन, है ना जी, एमनियोन था, है ना, याद रखना होगा, और इसके अंदर में पानी भरा होता है, इसका नाम क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड का प्रेशर वही होता है जो एटमोस्फेयर का प्रेशर होता है, मतलब बाहर में भी तुम बैठे हो तो अभी तुम पे एक एटमोस्फेयर का बल लग रहा होगा, उसी तरह से इसमें भी क्या एक एटमोस्फेयर का बल लगता है, मतलब बच्चा पानी में डूबा हुआ है पूरा, जितना पानी मुंह से घुस रहा होगा उतना ही पानी एनस से निकल भी रहा होगा जी, ठीक है, पूरा प्रेशर में है, मतलब कि पानी से पूरा डूबा हुआ है सर, है ना जी। अब तुम इमेजिन करो कि हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं, पानी के अंदर डूबे हुए हैं, तैर रहे हैं, ये भी नहीं कि कहीं कोना में पड़े हुए हैं, एकदम बीच में तैर रहे हैं, जैसे मन है तैसे घूम रहे हैं, है ना, कहते ना मूवमेंट होने लगता है 5वां महीना में, लेकिन सर एक बात तो है कि सर पानी से जब डूबे रहेंगे तो कभी सांस ले पाएंगे नहीं ना जी, लंग्स से सांस न ले पाओगे, ना ही नाक से सांस ले पाओगे, ठीक है, क्योंकि सर ये तो पूरा पूरा इलाका क्या हो गया, पूरा सील्ड है ना, पानी से भरा हुआ है, तब तुम कहोगे सर फिर तो जिंदा कैसे रहता है बच्चा, तो जिंदा रहता है ब्लड के जरिए ना, और ब्लड से क्या जा रहा था, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन कहाँ पहुंच रहा है जी, बच्चे को पहुंच रहा है ना, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, तुमको तो यही मेन मकसद है ना, 11th में हम पढ़े हुए हम लोग कि सर ऑक्सीजन जिंदा रखता है सेल को, और सेल को ऑक्सीजन कैसे मिलता है, ब्लड के जरिए मिलता है, और हम तो माँ के ब्लड से तो ले ही रहे ना ऑक्सीजन, और अपने बच्चे के ब्लड में तो जा ही रहा है ना जी, तो लंग्स का क्या काम, कोई काम नहीं ना, देखो यही भारी बात है, जब बच्चा जन्म लेता है ना जी तो कुछ नहीं बोलता रहता है जी, ठीक है, और तुरंत डॉक्टर उसको पैर से पकड़ के उल्टा लटका देता है, कभी देखियो ऐसा फिल्म सब में उल्टा लटकाता है, या उसके जो ना बैक पेन है उसको रब करता है, उसका जो पीठ होता है ना जी उसको रब करेगा ऐसे करके, ठीक है, ताकि जो भी पानी सब उसके मुंह में है नाक में सब निकल जाए, है ना, या उल्टा थोड़ा देर के लिए करता है, जैसे बच्चा चिल्लाना शुरू कर गया तो डॉक्टर समझ जाता है कि उसका सांस लेना शुरू कर दिया है, ठीक है, मतलब लंग्स काम करना शुरू करता है, तुमको जस्ट पूछेगा कि डिलीवरी के जस्ट 2 मिनट के अंदर में लंग्स काम करता है जी, डिलीवरी हुआ डॉक्टर जरूर उसको उल्टा करेगा, नहीं तो उसको पीठ की तरफ से लेटा करके उसको रगड़ेगा रगड़ेगा ताकि उसके अंदर का सारा पानी बॉडी से बाहर निकल जाए, तब ये लंग्स काम करता है जी, ठीक है, जा रहा है कुछ बात समझ में जी, हाई लेवल हो रहा है अब ये, ठीक है, मतलब आपसे पूछ देगा कि लंग्स कब काम करता है, जस्ट आफ्टर द डिलीवरी, है ना, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बच्चा नहीं रो रहा है या बच्चा नहीं आपको सांस ले रहा है तो डॉक्टर क्या करेगा उसको, है ना जी, आपको नहीं कि थोड़ा सा पीठ पर रगड़ के उसको थोड़ा 2-3 थप्पड़ लगाएगा पीठ पर, है ना, तब जाकर के किया तो किया, नहीं तो बच्चा डेथ घोषित कर दिया जाएगा जी, ठीक है। तो लंग्स कब काम करता है,
लंग्स आफ्टर डिलीवरी काम करता है, ये बात ध्यान रखोगे सब आदमी। काम करना शुरू किया लंग्स, उसका रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये बात हुआ है ना, तो समझ गया है ना जी आप सब आदमी। और मान लो एक बार केस अब 11th में पढ़ाए होंगे, या तुम लोग तो पढ़ा नहीं हमसे उस वाला टॉपिक, तो 11th का एक केस अमन सब पढ़ा था, उसको हम बताए होंगे है ना, कि जब डिलीवरी लेता है ना, मान लीजिए कि डॉक्टर की लापरवाही से बच्चा मर गया, मतलब बच्चा जिंदा पैदा लिया था लेकिन डॉक्टर की लापरवाही से मर गया, ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ कौन जाना गया, माँ तो बेहोश पड़ी रहती है, ठीक है। अब बच्चे का जो जन्म होगा है ना जी, डॉक्टर से गलती से मान लो कि कोई नस कट गया या बच्चा गला घोटा गया बच्चे का है ना, तो मर गया वो है ना जी, तो डॉक्टर तो बोल देगा कि आपका बच्चा मरा हुआ पैदा लिया था, है ना। अब बहुत सारा माँ को शिकायत होगा कि नहीं मेरा बच्चा तो नॉर्मल पैदा हो सकता था, या उसको याद आएगा कि नहीं मेरा बच्चा नॉर्मल था, है ना जी, तो शक होगा तो डॉक्टर को पुलिस केस करेगा, पुलिस केस क्या करेगा उसका आपको है ना, नहीं पोस्टमार्टम कराएगा। अब पोस्टमार्टम में यही पता लगाता है वो लोग कि लंग्स में हवा भरा हुआ था कि नहीं भरा हुआ था। अगर लंग्स में हवा भरा रहेगा इसका मतलब बच्चा सांस लिया था, है ना, क्योंकि हम बोले थे ना डिलीवरी के जस्ट बाद सांस लेता है, इसका मतलब बच्चा जिंदा पैदा लिया, है ना। अगर लंग्स में हवा नहीं भरा हुआ था इसका मतलब बच्चा मरा हुआ पैदा लिया था। एक बार हम तुमको अभी बोले भी तो थोड़ा देर पहले, एक बार लंग्स में सांस ले लेगा तो उसके लंग्स में हवा हमेशा भरा रहता है, मर जाने के बाद भी हम लोग के लंग्स में कुछ हवा रह जाता है, ठीक है। अब वो हवा क्या होता है जी, है ना, बता रहा होता है कि इंसान जिंदा था तब मरा है, ठीक है, बात समझे क्या बोल रहे हैं। तो अब इसमें एक और हार्ड करें थोड़ा सा, देखो इसी फोटोग्राफ को जूम कर रहे हैं, देखो ये बच्चा है कोई, ठीक है, अब उतना अच्छा तो फोटोग्राफ नहीं बनाएंगे, समझ लो कि एक बच्चा है, ये उसका हार्ट है जी। जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं ना जी, तो हार्ट जो देखते हैं, राइट आर्ट्रियम हुआ और ये राइट वेंट्रिकल होता है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम हुआ और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जी, ठीक है, ये हार्ट है बच्चे का। हम लोग जब माँ के गर्भ में रहते हैं ना जी, तो ये दोनों चैम्बर मिला रहता है, सब चैम्बर मिला हुआ है जी, ये सब खून सब मिक्स है। हम लोग अभी देखते हैं ऐसे रहता है हम लोग का हार्ट, राइट राइट के साथ मतलब रखता है, लेफ्ट लेफ्ट के साथ मतलब रखता है, लेकिन जब हम लोग माँ के घर में, तो राइट और लेफ्ट दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होता है जी। समझ में आ रहा है मेरी बात क्या बोल रहा है, मतलब यहाँ खून आया तो इधर जा सकता है, इधर खून आया तो इधर जा सकता है, बना रहे है ना, जा रहा बात में। देखो हम क्या बोलना चाह रहे, फोटोग्राफ बाहर में बना रहे हैं आप, ठीक है। हम लोग जो अभी अभी हम लोग का जो हार्ट है ना ऐसा होता है जी, ठीक है, मतलब राइट चैम्बर, इसको राइट राइट आर्ट्रियम बोलते हैं, इसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, इसको लेफ्ट आर्ट्रियम और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग का ऐसा हार्ट होता है, लेकिन जब हम लोग फीटस में रहते हैं, फीटस मतलब क्या, 9 महीना का गर्भ जब रहता है तब, है ना, फीटस जब स्टेज में रहते हैं तो 9 महीना के आसपास जब रहता है, तो हम लोग का हार्ट ऐसा होता है सर, मतलब राइट आर्ट्रियम भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है ना, और वेंट्रिकल भी, ये है वेंट्रिकल, है ना, ये वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी एक दूसरे से जुड़ा होता है, मतलब मिक्स्ड सर्कुलेशन होता रहता है जी, खून मिलता रहता है सर हम लोग का, हम लोग के बॉडी में, ठीक है। आपको इधर से खून इधर जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है जी, ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं है सर, ठीक है, जा रहा है जी फोटोग्राफ देखने में, एक मिनट रुक जाओ, छोटा कर देते हैं, है ना। तो मिक्स सर्कुलेशन होता रहता है, आप लोग से बस इतना ही पूछा जाएगा कि बचपन में मतलब फीटस जब रहता है 9 महीना का गर्भ, तब क्या हार्ट क्या रहता है, तब तुम कहना कि हार्ट सर एक दूसरे से कनेक्ट होता है, लेकिन यही जब डिलीवरी होने के वक्त नजदीक आता है तो ये सब बंद होने लगता है, ये सब इलाका सब क्या होता है, बंद होना शुरू हो जाता है जी, ठीक है। अब बंद होकर के अलग अलग हो जाता है जी, ठीक है, अगर जिसका बंद नहीं हो पाता है तो इसी को तुम सुनते हो दिल में छेद, दिल में छेद होने का मतलब ये नहीं कि इंसान मर जाएगा, ठीक है, दिल में छेद होने का मतलब सर इधर का खून इधर जा रहा है, इधर का खून इधर जा रहा है, डॉक्टर बाद में ऑपरेशन करके इसको बंद कर देता है। कहा जाता है कि 90% केस जो होता है ना जी नॉर्मल डिलीवरी में, आपको कि 100 बच्चा में से 10 बच्चा ऐसा होता है जिसमें दिल में छेद होता है, और उसका ऑपरेशन बाद में डॉक्टर जब है ना 5 साल का बच्चा हो जाता है तो उसको कर देता है। दिल में छेद हुआ बच्चे को दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको है ना ब्लड का उतना अच्छा प्योर ब्लड नहीं मिल रहा, मिक्स्ड मिल गया, मिक्स का मतलब क्या इम्प्योर ब्लड होगा ना जी, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ, जहां तुमको ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए वहां कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचने लगता है। सर बचपन में ठीक था कि मिक्स था, काहे क्योंकि सर जल्दी जल्दी ब्लड पहुंचाना रहता था, इसलिए हर जगह इलाका पहुंचा देता था, है ना, ऐसा डिमांड नहीं था बॉडी को उतना, बॉडी उतना दौड़ फिट दौड़ता ना था, इसलिए सर ठीक था, मतलब बचपन में है ना ब्लड जो था हम लोग का मिक्स होता रहता है, और माँ के घर में जब हम रहते थे ब्लड मिक्स होता रहता है जी, ठीक है, और ये जल्दी जल्दी ब्लड पहुंचाने में मदद करता है, क्विक ब्लड पहुंचाना हो तो मिक्स्ड सर्कुलेशन सही है, पर सर आपको ज्यादा देर तक सर्वाइव करना है तो सर आपको सेपरेट सर्कुलेशन करना चाहिए। देखो अब बहुत कुछ बोल रहे हैं, नहीं समझ पा रहे तो इतना बोल रहे हैं हम तुमको कि जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं तो खून का पाइप एक दूसरे से मिला रहता है सर, जो पाइप ऑक्सीजन ले जाता है वही पाइप कार्बन डाइऑक्साइड भी ले जाता है, ठीक है, मतलब आर्टरी या वेन का उतना कोई लफड़ा चक्कर नहीं होता है जी, ठीक है। यही वजह है कि अमनिकल कोड, याद करो सब लड़का, अभी हम छतरी में फोटोग्राफ बनाए थे, ये अमनिकल कोड में खूब खून रहता है जी मिला हुआ, ये पाइप है, ये क्या प्लासेंटा है ना, और यहाँ पे क्या माँ का खून का पाइप है ना, ये मदर साइड है ना,
ये उसका ब्लड का पाइप है जी, ठीक है। तो यहाँ से खून इधर जा रहा होता है, इधर का खून इधर आ रहा होता है, यहाँ से एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का इसके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का इसके साथ, इधर का ऑक्सीजन इसके साथ चेंज होता रहता है। तो डॉक्टर जब इसको काटता है ना जी, तो खून मिक्स हो ना जाए, है ना, माँ का खून बच्चे में, इसीलिए से डॉक्टर ठीक से उसको चाप करके काटता रहता है, ठीक है। जा रहा बात समझ में? जब हम लोग माँ के गर्भ में, लंग्स का कोई काम नहीं होता है, सारा काम हार्ट संभाल ले रहता है, माँ से ऑक्सीजन लेके काम चला रहा होता है जी, ठीक है। हो गया, ये भी टॉपिक समझा दिए। अब एक बात याद करो सब लड़का, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लाइन और है ना, कि है ना, एक दिन हम बोले थे तुम लोगों को, है ना, इमेजिन कीजिए सब लड़का, कि आपको है ना एक बार पढ़ाए थे, प्लासेंटा जो है ना, बस दो लाइन और है, प्लासेंटा आपको तीन हार्मोन निकालता है, किसी को याद आ रहा है? रिलैक्सिन, है ना, रिलैक्सिन तो तुम पढ़ाई था, HCG ये भी तुम लोग पढ़ा हुआ है, एक हार्मोन जिसका नाम क्या था, HPL, भूल गया कि याद है सबको? HPL का फुल फॉर्म था ह्यूमन, है ना, प्लासेंटल लैक्टोजन, है ना जी, प्लासेंटल लैक्टोजन, है ना जी। देखो ये हार्मोन का क्या काम है जी, ठीक है, ये हार्मोन का काम है मिल्क बनाना, है ना, मिल्क बनाना। देखो जब डिलीवरी का वक्त नजदीक आता है, 9 महीना का समय नजदीक आता है सर, तब क्या करता है सर, प्लासेंटा जो है ना HPL निकालता है, HPL। ये HPL क्या करेगा, मेमोरी ग्लैंड पे, सबको पढ़ाया मेमोरी ग्लैंड, ये सब बताना ना पड़ेगा अब हमको, मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड सबको पढ़ाए थे, मेमोरी लोब याद आ रहा है सब लड़के को, लड़का को, एल्विओलाई, है ना, ये सब पढ़ाए थे सब आदमी को ना, एल्विओलाई होता है, एल्विओलाई क्या करता है सर, वही ना मिल्क बनाता है। तो एक बात ध्यान रखो सब लड़का, अभी जो हम बोल रहे हैं, जब 9th मंथ का समय आता है सर, करीब महीना आता है, जब डिलीवरी का बस वक्त नजदीक आता है, तो माँ के प्लासेंटा से HPL निकलना शुरू होता है। ये HPL किसको धक्का मारता है सर, है ना, एल्विओलाई को जाके धक्का मारता है जी, ठीक है। और एल्विओलाई को कहता है भाई मिल्क बनाओ, मिल्क बनाओ, है ना जी। एक बात और याद करो सब लड़का, प्लासेंटा का ये भी तो काम है सर, ये प्लासेंटा जो है ना सर आपको क्या करता है सर, आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, मिल्क सिक्रीशन करवाता है। देखो दिमाग लाना शुरू करो सब आदमी, ये एल्विओलाई है सब आदमी, ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ाए सब आदमी को एल्विओलाई के बारे में, है ना। एल्विओलाई क्या होता है, मिल्क बनाने वाला सेल होता है सर मेमोरी ग्लैंड के अंदर में, ठीक है। तो मेरा कहना है कि ये है एल्विओलाई, है ना, एल्विओलाई, इसके अंदर में मिल्क बने, देखो दिमाग लगाओ सब लड़की, ठीक है, इसके अंदर में मिल्क बन रहा है सर, ये बना कौन रहा है, HPL, है ना, HPL मिल्क बना रहा है, जा रहा है बात सुनने। अब जब ये बना रहा होता है सर मिल्क, ठीक है, तो सर यहां से यहां निकालना है मिल्क, यहां कहां, ये ल्यूमेन है ना, ल्यूमेन में मिल्क निकालना है, ठीक है। तो ल्यूमेन में जो मिल्क निकालना है सर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, है ना जी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, बात समझ में आ रहा है जी। और है ना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या कर रहा है, यहाँ से मिल्क निकाल रहा है जी, इस मिल्क को ना सर आगे क्यों ढकेलता है सर, कहाँ ले जाता है जी, ठीक है। तो इस रास्ते में यहाँ पे जो था लैक्टिफेरस डक्ट, सबको याद आ रहा होगा लैक्टिफेरस डक्ट था, है ना, आपको लैक्टिफेरस डक्ट तक पहुंचा देता है जी, ठीक है। अब जब लैक्टिफेरस डक्ट के पास पहुंचता है जी, ठीक है, जा रहा है जी सबको फोटोग्राफ, हेलो, लैक्टिफेरस डक्ट के पास पहुंचता है जी, ठीक है। तो लैक्टिफेरस मिल्क यहाँ मौजूद है। अब मान लीजिए कोई भी अगर बच्चा इसके मेमोरी ग्लैंड से, नेपल से अटैच होगा तो मिल्क नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे ही है ना उसका बच्चा इसके मेमोरी ग्लैंड से अटैच हो, मतलब जो माँ है ना डिलीवरी के बाद, है ना जी, मिल्क बनाना शुरू कौन किया, HPL, देखा जी HPL का क्या रोल है, और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, उसको निकाल के बाहर रखवाना, है ना, इस जगह पे, और आगे ढकेलते हुए ले जाना, यहाँ पे आ गया मिल्क, है ना जी। अब जैसे ही बच्चा जो है उसका बेबी है ना उसके मेमोरी ग्लैंड से अटैच होगा, उस माँ की मेमोरी ग्लैंड से, तुरंत मिल्क निकलना शुरू हो जाएगा जी, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है सर, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे बच्चा माँ की दीवार से टच होता है, माँ के मेमोरी ग्लैंड से टच होता है जी, तुरंत माँ के बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जी। ऑक्सीटोसिन, दिमाग लगाना शुरू करो सब लड़का, ये ऑक्सीटोसिन इसके अंदर के मसल्स को चापना शुरू कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन, अभी थोड़ा देर पहले तुम लोग को बोले थे, कॉन्ट्रैक्शन करता है, और इस वजह से मिल्क बाहर निकलता है। ऑक्सीटोसिन का हिंदी मतलब होता है माँ की ममता, है ना, ये माँ की ममता के लिए जिम्मेदार होता है। कभी देखिएगा कोई बच्चा है और उसके सामने में, यानी उसके माँ के सामने उसको पीट दोगे ना, तो तुम, वो माँ है ना, तुम ही को डांटेगी, ठीक है, वो कहेगी कि मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। ये एक तरह का फीलिंग लाता है, लड़कों में भी फीलिंग निकलता है लेकिन बहुत कम, है ना, लेकिन लड़कियों में ज्यादा फीलिंग होता है अपने के प्रति, ठीक है, और अपने बच्चे के प्रति तो उससे भी ज्यादा फीलिंग होता है। ये किस वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। ये मिल्क इजेक्शन में मदद करता है जी, ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन ये मिल्क इजेक्शन में मदद करता है जी। देखो बहुत कुछ है जी, ठीक है, समझने के लिए। ये सब मेडिकल का क्वेश्चन पूछे, ये मत सुना कि सर अपना अपना ताकत दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या बोले पहले, HPL पढ़ा, HPL का क्या काम है जी, ठीक है, HPL का काम है सर आपको मिल्क फॉर्मेशन कराना, मिल्क को बनाना, है ना। और प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है सर, प्रोजेस्टेरोन का, है ना जी, तो प्रोजेस्टेरोन का काम है सर आपको मिल्क इजेक्शन, मिल्क सिक्रीशन,
मिल्क सिक्रीशन करता है, सिक्रीशन माने सेल से बाहर निकालता है सर। अब मिल्क को बॉडी से बाहर निकालना है, इजेक्शन, उसके लिए कौन चाहिए? ऑक्सीटोसिन। देखो तीनों अलग अलग है, ऑक्सीटोसिन का काम है मिल्क इजेक्शन में, आइए फंसता है स्टूडेंट सब, इजेक्शन बोला जाए बॉडी से बाहर निकालने की बात हो रही है, तो कौन करेगा ये? और सिर्फ एल्वियोलाई के सेल से बाहर निकाल के ल्यूमेन में डालना है, आगे बढ़ाना है, तो प्रोजेस्टेरॉन। और एचपीएल क्या है सर? है ना, मिल्क फॉर्मेशन में मदद करता है। 11th में जो लड़का या लड़की पढ़ी होगी तो प्रोलैक्टिन वर्ड पढ़े होंगे जी, प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन एक तरह का सर पैरेलल वर्ड है सर एचपीएल का, एचपीएल के बराबर माना जाता है जी प्रोलैक्टिन को। जा रहा बात समझ में? तो प्रोलैक्टिन अलग है, एचपीएल क्या है आपको? अलग है, ठीक है, समझ में आ रहा जी? लेकिन इसी के जैसे होता है जी, काम करता है। एचपीएल कौन निकाल रहा है? तो सब प्लासेंटा निकाल रहा है। प्रोजेस्टेरॉन का भी किसके हाथ में है? तो प्लासेंटा या कॉर्पस ल्यूटियम के हाथ में है जी, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना जी? सब समझ में आ रहा है जी क्या सब बोल रहे हैं? एक मिनट, देखो कट जाएगा तो फिर से ज्वाइन करना, ठीक है। अभी है आपको क्लाइमेक्स में, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही कोई बच्चा है ना ऑक्सीटोसिन का गुणगान कर रहे हैं जी हम, ठीक है। ऑक्सीटोसिन में माँ का मेटर्नलिटी प्रॉपर्टी देता है ना, माँ की ममता जो होती है ना, इसी से रिलेटेड होता है ऑक्सीटोसिन से ही। जैसे बच्चे का डिलीवरी होता है, अब बच्चा जैसे माँ के मेमोरी ग्लैंड से अटैच होता है, माँ के ब्रेन से ऑक्सीटोसिन खूब निकलता है। ये ऑक्सीटोसिन पहले क्या कर रहा था? पहले तो डिलीवरी में मदद किया, अब यही काम कर रहा है मिल्क इजेक्शन में। कोई भी आदमी चाहेगा कि हम मिल्क इजेक्ट कर ले फीमेल मेमोरी ग्लैंड से? नहीं संभव है जी, जब तक कि उसका बच्चा ना जुड़े। जैसे जैसे तुम लोग देखते हो गाय का बछड़ा है ना, पहले माँ के मेमोरी ग्लैंड से अटैच करवाया जाता है। कभी गांव देहात में देखिएगा कि गाय हो कि भैंस हो, तो उसका बच्चा जो है ना पहले उसके मेमोरी ग्लैंड से अटैच होता है, तब थोड़ा देर बाद ग्वाला क्या करता है उसके बच्चे को हटा के तब मिल्क निकालना शुरू करता है। तो ऐसा ही यही है, इसलिए है क्योंकि जैसे गाय उसका बच्चा उसके बॉडी से जुड़ता है, तुरंत गाय की बॉडी से ना ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होता है, वो अंदरूनी तौर पर सेल सबको चांपता है, मैंने मेमोरी ग्लैंड को चांपेगा। और मेमोरी ग्लैंड को चांपने से क्या होगा सर? मिल्क का बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। मिल्क कितनों बन जाए है ना, बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा अपने आप। बॉडी से बाहर तभी निकलेगा जब ऑक्सीटोसिन का सुई दिया जाए उसको, या उसके बॉडी में ऑक्सीटोसिन आ जाए। तो ऑक्सीटोसिन कब आता है? जैसे उसके माँ के सामने उसका बच्चा आता है ना, चाहे कितना भी साल का, मतलब बूढ़ा भी, बूढ़ी माँ भी क्यों ना हो है ना, उसके सामने में उसका बेटा आ जाए या बेटी आ जाए, तो उसके माँ के ब्रेन से ऑक्सीटोसिन निकलने लगता है। ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है? उसको एक्टिवेट करना शुरू करता है, और जब बच्चा उसके मेमोरी ग्लैंड से अटैच होता है, ठीक है, तो मिल्क निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा जी? तो ये सब बातें हम आपको बताएं। तो जब बच्चा माँ के मिल्क पीता है सर, उसी को हम लोग लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। लैक्टेशन पीरियड कब तक रहेगा? अब यही गौर करो, अब तुम लोग समझ गया होगा कि सर थोड़ा सा प्लासेंटा क्यों रह गया था। अभी क्लास जो स्टार्ट किए थे ना, कहे थे ना कि थोड़ा सा प्लासेंटा डॉक्टर अंदर की ओर छोड़ देता है, याद आ रहा है जी? अभी हम कहीं पे लिखे थे ये बात कि प्लासेंटा का कुछ हिस्सा क्या होता है, डॉक्टर जानबूझ के अंदर छोड़ देता है जी। प्लासेंटा का कुछ हिस्सा जानबूझ के अंदर इसलिए छोड़ देता है सर, है ना, अभी हम फोटो कहीं बनाए थे जी, ठीक है, इमेजिन हो रहा ना जी, हम जो नहीं गए थे यहाँ पे, प्लासेंटा का कुछ हिस्सा अंदर ही छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि अंदर रहेगा प्लासेंटा का कुछ हिस्सा तो वो क्या निकलता रहेगा? एचपीएल। एचपीएल निकलता रहेगा तो क्या रहेगा? मिल्क बनता रहेगा। मिल्क बनता रहेगा सर तो क्या होगा सर? आपको नहीं कि बच्चे का न्यूट्रिशन होता रहेगा। हम तुमको बोले थे प्लासेंटा तो सोर्स है प्रोजेस्टेरॉन का भी ना जी, भले कॉर्पस ल्यूटियम भी है तो प्लासेंटा भी तो है। तो प्लासेंटा रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, तो मिल्क का सिक्रीशन भी होता रहेगा। अब डॉक्टर पूरा का पूरा प्लासेंटा हटा देगा तो हल्का फल्का ही मिल्क बन पाएगा। इसलिए देखोगे कोई कोई माँ ऐसी होती है एक के दो महीना बच्चे को मिल्क पिला पाते, उसके बाद उसे मिल्क ही नहीं बन रहा होता है। क्यों भाई? क्योंकि उसका सारा प्लासेंटा डॉक्टर हटा दिया या हट गया है, ठीक है। लेकिन कोई कोई माँ होती है एक एक साल तक बच्चे को मिल्क पिलाती रहती है, ठीक है, क्योंकि उसके बॉडी में प्लासेंटा स्टिल प्रेजेंट है, थोड़ा बहुत सही पर है ना जी। नहीं रहेगा सर तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा ही दिन बना पाएगी प्रोलैक्टिन की वजह से, है ना, नहीं तो वो है ना ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगी। नहीं, कहा जाता है नियम तक, तो कहा जाता है कि 6 महीना तक मिल्क मिलना जरूरी है बच्चे के दिमाग के विकास के लिए जी। बच्चा जब जन्म लेता है तो 1-2 साल के अंदर में बच्चा का दिमाग 80% डेवलप कर जाता है जस्ट ड्यू टू द मिल्क। आपको कहता है जो माँ का दूध जितना ज्यादा पिया होगा वो उतना ज्यादा ताकतवर, उतना ज्यादा दिमाग से तेज होगा, ठीक है, समझ में आ रहा हम क्या बोले अभी? इसीलिए आप गांव घर में जो भी माँ है ना उसको प्रमोट कीजिए कि माँ का दूध उसको मिलना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है कि बहुत सारी लड़की जो शहर में रहती है ना वो सोचती है कि फिगर खराब हो जाएगा, है ना, इसलिए अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती रहती है, ठीक है, मतलब है ना कि शहर का देखिएगा थीम होता है कि वो लोग सोचते हैं कि बच्चा को ज्यादा मिल्क पिलाएंगे तो बॉडी और मेमोरी ग्लैंड खराब हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत है जी, ठीक है, इसको भी है ना आपको ना कि अवॉइड करवाना चाहिए। माँ का मिल्क जितना ज्यादा आपको मिलेगा उतना ज्यादा वो लड़का दिमाग तौर पे तेज होगा और उसका ब्रेन उतना ही ज्यादा विकास करेगा, क्योंकि माँ के मिल्क में बहुत कुछ होता है जी। और शुरुआती मिल्क में
है ना, माँ का जो शुरुआती मिल्क आता है जी, ठीक है, येलो कलर का इनिशियल डे में, जैसे डिलीवरी हुआ उसके 2-4 दिन बाद जो मिल्क आता है तो वो येलो कलर का होता है जी, ठीक है, इनिशियल डे का, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है येलो मिल्क होता है जी। और इस येलो मिल्क को हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। और सर ये मिल्क येलो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर में एक एंटीबॉडी पाया जाता है, इसका नाम IgA है, इसको चैप्टर 8 में हम पढ़ाएंगे आपको। ए का मतलब भैया अल्फा समझिए सब आदमी, ठीक है, इसका मतलब अल्फा होता है, IgA का मतलब इम्यूनो ग्लोबुलिन होता है, पर अभी नहीं, हम आपको चैप्टर 8 में इसका फुल फॉर्म पढ़ाएंगे। अभी आप सुनोगे अब हमसे IgA नाम का एंटीबॉडी, सर ये एलर्जी से लड़ने में मदद करता है, एलर्जी से है ना, और अलग तरह के इन्फेक्शन से बचाता है, मतलब बच्चा जो जन्म लेता है ना बहुत नाजुक होता है ना जी, उसको कुछ भी हो सकता है, तो उससे बचने के लिए माँ का मिल्क दिया जाता है। माँ के मिल्क के शुरुआती दिनों में, मतलब आपको 1 महीना के अंदर तक है ना, बहुत ज्यादा आपको येलो कलर का मिल्क होता है, उसमें IgA नाम का एंटीबॉडी होता है। आपको गाय भी, गाय का जो बछड़ा जन्म लेता है शुरुआती दिनों का जो फोटोन सब देखते हो, या शुरुआती 1 महीना का जो दूध होता है ना जी, बहुत अच्छा होता है, उसको लेने से आपकी बॉडी में IgA नाम का एंटीबॉडी आएगा, इससे आपका इन्फेक्शन होने, आप बीमार पड़ने का चांसेस घटेगा जी, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी बुक रिकॉर्डिंग खत्म हो गया जी, आज चैप्टर ये, कल जब मिलेंगे ना तो ट्विंस पढ़ेंगे हम लोग, ट्विंस, जुड़वा बच्चा कैसे जन्म लेता है। पहले ये लाइन पढ़ो, मेमोरी ग्लैंड ऑफ द आपको अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब आपको अंतिम समय आता है तो मिल्क बनाने लगता है, अब प्रोसेस ऑफ मिल्क फॉर्मेशन इज कॉल्ड लैक्टेशन, दिस लीड टू द मदर फीडिंग इन द न्यू बॉर्न, ये एक तरीका है बच्चे को खाना देने का। मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम, शुरुआती दिनों के मिल्क को हम लोग क्या नाम देते हैं, कोलेस्ट्रम के नाम से बुलाते हैं जी, याद रहेगा। विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडी, जहां पे एंटीबॉडी लिखा हो उसकी जगह पे IgA लिख दोगी, IgA हम यहाँ लिख देते हैं साइड में, है ना जी, IgA, है ना, याद रखिएगा, है ना। तो उसके बाद हमने कहा था एसेंशियल फॉर है ना डेवलपमेंट ऑफ है ना रेसिस्टेंस ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, नए बच्चे को है ना सर आपको डेवलप करने में और बीमारी से बचने में मदद करता है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है सर, है ना, ये डॉक्टर रिकमेंड करता है हेल्दी बेबी के लिए, ठीक है, बात समझा दिए जी, है ना। चैप्टर खत्म हुआ, ऑब्जेक्टिव बनाना शुरू कर दीजिए, है ना। HPL इस सब का क्या रोल है, इससे तुम समझ गया होगा HPL का क्या रोल है। अब कोई माँ और प्लासेंटा नहीं है तो HPL नहीं बनेगा, मिल्क ज्यादा दिन तक सिक्रेट नहीं होगा। अब प्रोलैक्टिन का साथ क्या संबंध है, इसको कल बताएंगे, अभी बताएंगे, हौच पौच हो जाएगा। HPL समझी ना, प्रोजेस्टेरोन समझी ना।